हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस इन हिंदी। लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस में कहा जा रहा है, एक बार मैं पूरा रीड कर देता हूँ, उसके बाद वो टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंश्योरेंस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। It is not restricted to life, marine or fire only, but has spread over to almost every sphere of human activity. Naturally, the question arises, is the scope of insurance unlimited and is there any possibility to insure each and every risk? The answer to this question lies in the scope of insurance, which is limited in nature. There are certain limitations of the scope of insurance, which are as follows. तो यहां बोला जा रहा है कि जो लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस है उसमें ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ लाइफ, मरीन या फायर तक ही नहीं मौजूद है, ये हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो भी हम काम काज करते हैं ना, हर जगह पे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ह्यूमन लाइफ से तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठता है कि जो इंश्योरेंस का स्कोप है, क्या ये अनलिमिटेड है? क्या हम पूरी दुनिया में हर एक चीज का इंश्योरेंस करा सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल चीज का इंश्योरेंस करा सकते हैं? तो ये जो है, इसका जो आंसर है वो इंश्योरेंस के स्कोप में आपको मिलेगा, और इंश्योरेंस का स्कोप बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नेचर का है। There are certain limitations of scope of insurance which are as follows. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला कहा जा रहा है absence of insurable interest. जो पहली limitation है वो ये है कि absence of insurable interest, इसमें कह रहे हैं the basic element of insurance is the presence of insurable interest. जो सबसे पहली लाइन कही गई है वो इन्होंने ये कही है कि जो सबसे बेसिक एलिमेंट है इंश्योरेंस का वो है प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट को फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। हम नॉर्मली उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं जहां पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल, फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड है कि अगर वो जो अर्निंग मेंबर है, अगर वो नहीं जीवित रहा, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो कैसे फिर जिएंगे, ठीक है। तो कहां से फाइनेंस का जुगाड़ होगा, कहां से पैसे का जुगाड़ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक एलिमेंट है इंश्योरेंस का, वहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अ पर्सन हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। अगर किसी इंडिविजुअल इंसान का किसी भी सब्जेक्ट मैटर में एक हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो वो इंश्योरेंस का एडवांटेज ले सकता है। If there is no existence of insurable interest, the contract is void ab initio. लेकिन अगर आपका कोई insurable interest नहीं है उस particular चीज में, तो उस contract को, उस insurance को void ab initio consider किया जाएगा। एक हिसाब से उसको contract ही consider नहीं करेंगे, ठीक है। Thus, insurable interest restricts scope of insurance. तो ये जो insurable interest है वो scope of insurance को restrict करता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि life insurance में हम किस किस का insurance करा सकते हैं और non-life insurance में हम किस किस का insurance करा सकते हैं जो हमसे related है। देखिए, life insurance में हम उनका insurance कराते हैं जो हमारे ऊपर dependent हैं, हमारे parents, हमारा spouse, spouse का मतलब husband या wife कोई भी, और हमारे बच्चे या हमारे छोटे भाई बहन, ठीक है। हम इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम नहीं रहेंगे तो इनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हम बस इतने लोगों का इंश्योरेंस करा सकते हैं, इनके बाहर हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। अब बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में नॉर्मली लोगों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपने बड़े बड़े असेट्स में होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री हो गई, आपकी कोई गोडाउन हो गया, आपका बाइक हो गया, आपकी कार हो गई, ठीक है, आपका कोई व्हीकल हो गया जो एक्चुअली बहुत कॉस्टली नेचर का है, वो अगर चला गया तो आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि आप उसे वापस ला सके, तो आपका कहीं ना कहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि अगर कार चोरी हो गई या बाइक चोरी हो गई या ट्रक चोरी हो गया, चलिए ट्रक ही को चोरी करवा देते हैं, तो ट्रक चोरी हो गया तो हमारे पास इतना पैसा, फंड नहीं है कि हम तुरंत एक नया ट्रक खरीद लें, सेकेंड हैंड भी खरीद सकें, तो वहां इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जरूरत है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद है आपका, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी, जिसे इंश्योरेंस की भाषा में इंडेमनिफिकेशन कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लिमिटेशन है वो है लिमिटेड टू फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, यहां कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे, जिस लेवल में थे, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में थे, आपको लॉस होने के बाद इंश्योरेंस वापस उसी कंडीशन में ले आता है जहां आप लॉस होने से पहले मौजूद थे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी इंसान की जिंदगी चली जाए तो उसका दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ठीक है, वो चाहे कोई भी इंसान हो, उसको आप पैसे से तो कभी आप इंडेमनिफाई कर ही नहीं सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन है, जो प्रिंसिपल है इंडेमनिफिकेशन वाला, वो सारे इंश्योरेंस में एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंडेमनिफिकेशन का मतलब वापस उसी सिचुएशन में लाना जहां पे आप पहले थे। इन्होंने आगे कहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन वेयर ही वॉज बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट। यही मैंने आपको बताया कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इस प्रिंसिपल का, वो ये होता है कि जो इंश्योर्ड है उसे वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचा दे जहां पे कोई भी नुकसान होने से पहले वो मौजूद थे। ठीक है, दिस इज एसेंशियल टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ओवर इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है ताकि ओवर इंश्योरेंस मतलब समझिएगा कि प्रॉपर्टी 1 लाख रुपीज की और आपने 1,10,000 का इंश्योरेंस करा लिया, प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगा आपने इंश्योरेंस करा लिया, दिस इज कॉल्ड ओवर इंश्योरेंस। ठीक है, so far as the life insurance is concerned the principle does not apply as we cannot measure the value of assured's own life in the terms of money। to duniya mein hum kisi ki zindagi chahe koi insaan ho use hum paise mein to hum measure kar hi nahi sakte। to jo compensation milta hai na ek hisab se jo claim ka paisa milta hai wo dependents ko stand karne ke liye milta hai। ab kisi ki zindagi ko aap paise mein to compare kar hi nahi sakte, na hum kar sakte na koi insurance company kar sakti hai paise mein compare। ठीक है, डिपेंड करता है इंसान की का एज क्या है, इंसान की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। मैं जब अपना इंश्योरेंस कराने के लिए गया था तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं आपको कि आप कितने रुपए तक का, जहां तक मैं मुझे जो इंश्योरेंस एजेंट ने बताया मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंस हो, तो अगर कुछ डिफरेंस होगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वो जानना चाहूंगा। मैंने अपने इंश्योरेंस एजेंट से एक सवाल पूछा कि सर आप एक बात बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस कितने रुपए तक का हम करा सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपकी एज प्लस अर्निंग, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भी उसने मोटा मोटी ये बताया कि जो भी आप मंथली अर्न करते हैं उसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अगर आप महीने में 1 रुपए कमाते हैं तो आप 1500 रुपए तक का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से मतलब जो भी आपकी अर्निंग है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 से, इतना आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, और जब मैं इंश्योरेंस करवाने के लिए जब गया था तो ये बहुत पुरानी बात है, एट दैट टाइम आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज इन ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट हो गया था। तो उस टाइम उन्होंने ये बात बताई थी कि जो भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी, देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान कम उम्र में बहुत ज्यादा कमाता है, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, तो अर्निंग के ऊपर क्या आप किसी की लाइफ को आप वैल्यू नहीं कर सकते हो और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक लिमिटेड है, किसी की जिंदगी इस साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, मोरल लिमिटेशंस की बात करते हैं। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ मोरल हैजार्ड आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, मोरल हैजार्ड का मतलब ये होता है कि किसकी किसका मोरल क्या है, कैसा है, किसी के सोच विचार कैसे हैं, अच्छे हैं खराब है, यू नेवर नो। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉई हमें नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है ये हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता थोड़ी चलता है किसी के इंटेंशंस कहाँ पता चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस में मॉरल हैजार्ड मौजूद रहता है, और जो मॉरल हैजार्ड है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंश्योरेंस के स्कोप को। इन्होंने बोला कंसीलमेंट ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट, अगर आपने कोई भी मटीरियल फैक्ट छुपा लिया इंश्योरेंस का फॉर्म भरते वक्त, प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त अगर आपने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छुपा ली या गलत बताई तो इट्स अ मॉरल हैजार्ड, आपने गलती की। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी जब आप क्लेम लेने के लिए जाएगा ना तो डायरेक्ट मना कर देगा, बोलेगा नहीं आपने ये बात झूठ बोली थी, तो जो भी आपने पैसे भरे हैं ना प्रीमियम के फॉर्म प्रीमियम के तौर पे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो दिस इज मॉरल हैजार्ड। इन्होंने आगे बोला व्हाइल इफेक्टिंग इंश्योरेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इन्होंने बोला कि जब हम इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो कई बार होता है लोग छुपा लेते हैं मटेरियल फैक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे नीचे इन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस और कैंसर get himself insured in order to obtain the claims by his dependents, and in the case of fire insurance the value of the property is
ओवर वैल्यूड इन ऑर्डर टू गेट द फायर इंश्योरेंस क्लेम। देखिए पहले इन्होंने बोला अगर किसी इंडिविजुअल को पहले से मालूम है कि उसको ट्यूबरक्यूलोसिस है, मतलब टीबी है, और या उसे मालूम है कि उसे कैंसर है, नहीं मालूम बात अलग है, लेकिन अगर उसको पहले से मालूम है और कहीं ना कहीं से उसका इलाज चल रहा है, तो अगर उसे मालूम है और उसके बाद भी अगर वो इंश्योरेंस कराता है तो दिस इज कॉल्ड मॉरल हैजार्ड। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, आगे इन्होंने ये बोला कि और ये इसका इंटेंशन क्या है, इस मॉरल हैजार्ड का इंटेंशन क्या है, ताकि इनके न रहने के बाद डिपेंडेंट्स को क्लेम का पैसा मिल जाए। ठीक है, तो ये जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसा गलत काम कराया जाता है या होता है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बात सामने आ जाएगी कि आप लोगों को पहले से पता था कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस और कैंसर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी नहीं देगी। ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ मेंशन है। आगे इन्होंने बोला कि अगर फायर इंश्योरेंस में क्या मॉरल हैजार्ड होता है, वो ये होता है कि प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया और आपने प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यू करके बता दिया, प्रॉपर्टी में जो मशीनरीज थी या जो भी चीज थे आपने बोला अरे ये इतने का नहीं है, ये इतने का है। हर एक चीज में ग्रेडिंग होती है, हर एक चीज की प्राइसेस कम ज्यादा होती हैं, चाहे आप खाने की कोई भी चीज देख लो, तो हर एक चीज कुछ सस्ती मिलती है, कुछ महंगी मिलती है, तो आपने अगर महंगा करके बताया तो दिस इज मॉरल हैजार्ड। इन्होंने बोला कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है इंश्योरेंस के स्कोप को। आगे कह रहे हैं देयरफॉर एन इंश्योरर मस्ट कंसिडर मॉरल हैजार्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग इंश्योरेंस प्रपोजल्स। तो जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसे मॉरल हैजार्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर एन इंश्योरर मस्ट कंसिडर मॉरल हैजार्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो इंश्योरर है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट करने से पहले मॉरल हैजार्ड को भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी बातें, उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा हाई प्रीमियम रेट्स। भैया इंडिया में बहुत गरीबी है, हम भारतवासी हैं, ऊपर से ये आजकल ये जो कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं। और आजकल मैंने देखा टेलीविजन में बहुत ज्यादा इंश्योरेंस के बारे में बड़ा आ रहा है, लोगों के पास इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जीडीपी बहुत बुरी तरीके से गिर गई है, हमारी ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे देश में। अब इसमें अगर हाई प्रीमियम रेट्स रहेगा इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस कौन कराएगा? इन्होंने बोला कि हाई प्रीमियम रेट्स रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस एज इट डिप्राइव्स द पुअर पर्संस। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर प्रीमियम अगर हम और सस्ता कर दें तो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है इंश्योरेंस को, और वो रिस्क ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हु आर अनेबल टू पे द हाई प्रीमियम रेट्स टू गो इन फॉर इंश्योरेंस। तो हमारे देश में या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां गरीबी ज्यादा है, तो वहां अगर प्रीमियम रेट्स बहुत ज्यादा रहेगा तो लोग इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। तो जरूरत क्या है कि, और ये भी एक लिमिटेशन है इंश्योरेंस का, ठीक है, अगर प्रीमियम रेट कम हो जाएगा तो लोग इंश्योरेंस कराना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बाइक का महीने का इंश्योरेंस 1500 है, ठीक है, और आपकी अर्निंग उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर वो 500 होता या 300 होता या 400 होता, कंपेरेटिवली बहुत कम होता, ठीक है, तो आप जरूर कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस करा लेते, ठीक है, क्योंकि आप 400 या 500 रुपए में एक साल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, जो कि पहले हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, जीएसटी आने से पहले जो इंश्योरेंस था, तो बाइक में आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा सकते थे, अब आपको पूरा करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 350 में हो जाता था, ऑन एन एवरेज 100 cc या 150 cc बाइक का 350 में हो जाता था, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा कराना पड़ेगा, आप 1400-1500 रुपीज कम से कम पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, दिस इज कॉल्ड हाई प्रीमियम रेट्स, जो लोगों को डिप्राइव करता है, जो लोगों को एक हिसाब से डिस्करेज करता है इंश्योरेंस, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल। अगला जो लिमिटेशन है वो ये है कि हर एक रिस्क इंश्योरेबल नेचर का नहीं होता, हर एक रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड नहीं कर सकती। जैसे इन्होंने कहा द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज फास्ट इंक्रीजिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल रिस्क आर कवर्ड। जो इंश्योरेंस का स्कोप है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर रिस्क इसमें कवर्ड हो चुके हैं, बट द इंश्योरर डू नॉट कवर द रिस्क फ्रॉम वॉर। तो जो इंश्योरर है वो कौन कौन से रिस्क का कवर नहीं करता, वॉर वाले, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाले। दस द स्कोप इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो जो इंश्योरेंस का जो स्कोप है वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरर जनरली अंडरटेक्स टू इंश्योर दैट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द रिस्क विच आर एक्सीडेंटल एंड विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो जो इंश्योरर है वो बेसिकली उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करता है, उन्हीं सब्जेक्ट मैटर या आर्टिकल्स का इंश्योरेंस करता है
जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्क है और जहां कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल मतलब विच इज अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इन नेचर, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो अनसर्टेन था वो अचानक हो गया, वो एक्सीडेंटल नेचर का हो गया। ठीक है, एंड विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और उस चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ, तो इन सारी चीजों का इंश्योरेंस हो सकता है। आगे कह रहे हैं, दस वी कैन से दैट ऑल रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल इवन दो मोस्ट ऑफ देम आर इंश्योर्ड। आखिरी में हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रिस्क इंश्योरेबल नहीं होते, लेकिन ज्यादातर का इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक, गुड डे, टाटा बाय बाय।